हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त, और आज की इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आज की ये जो वीडियो होगी वो होगी एमएस ऑफिस 2019 की, जहां पर हम सीखेंगे कि आखिर एमएस ऑफिस जो न्यू आया हुआ है 2019 के अंदर, उसके अंदर जो एक्सेल 2019 है उसके क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं, उनको आज हम देखेंगे और सीखेंगे, और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर उनका हम यूज करके देखेंगे प्रैक्टिकली। सो सबसे पहले जो एमएस ऑफिस 2019 के अंदर, जो एक्सेल 2019 है, उसके अंदर कुछ नए फंक्शंस आए हैं जिनको मैंने जो है यहां पर अपनी शीट के अंदर लिखा हुआ है। हम एक एक करके उनको देखते हैं। सबसे पहले एक्सेल के अंदर जो नया फीचर आया हुआ है या नया फंक्शन आया हुआ है वो है कॉनकैट, दूसरा इप्स, तीसरा मैक्स इप्स, चौथा मिनी इप्स, पांचवा स्विच और छठा टेक्स्ट जॉइन। एक्सेल 2019 के अंदर ये 6 नए फंक्शंस लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा अगर चार्ट की बात करें तो एक्सेल 2019 के अंदर मैप चार्ट और फनल चार्ट, ये दो नए फीचर हैं एक्सेल के अंदर। इसके अलावा अगर हम एनहांस्ड विजुअलिटी की बात करें तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स और कन्वर्ट एसजीवी आइकन्स टू शेप्स, या फिर इंसर्ट 3D मॉडल्स टू सी ऑल द एंगल्स, इस तरीके के नए एनहांस्ड विजुअल्स जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के अंदर एड ऑन हुए हैं। इसके अलावा जो इसके लिंक थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, उसके लिंक में भी इंप्रूवमेंट की गई है, जहां पर न्यू लिंक या न्यू इंक इफेक्ट, डिजिटल पेंसिल, कस्टमाइजेबल पोर्टेबल पेंसेट, इंक इक्वेशन, न्यू इंक रिप्ले बटन, लासो, सेलेक्ट एट योर फिंगर टिप्स, उसके अलावा कन्वर्ट इंक ड्रॉइंग टू शेप्स और यूज योर सरफेस पेन टू सिलेक्ट अ चेंज ऑब्जेक्ट, इस तरीके के लिंक इंप्रूवमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के अंदर ऐड हुए हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे नए फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। बेटर एक्सेसिबिलिटी फीचर, इसके अलावा पाइवोटेबल एनहांसमेंट, शेयरिंग इज ईजियर, पावर पाइवोट अपडेट्स, जनरल इंप्रूवमेंट्स और गेट एंड ट्रांसफॉर पावर क्वेरी, ये सारे एक्सेल 2019 के अंदर नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं, और कुछ कुछ फीचर्स जो पहले के भी एक्सेल के वर्जन में थे जिनकी इंप्रूवमेंट को और भी बढ़ा दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये क्या क्या होते हैं और इनको हम एक्सेल के अंदर कैसे कैसे यूज करते हैं, इसका जो है हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज के अंदर यूज करके प्रैक्टिकली देखेंगे, जिनमें से सबसे पहले जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के फंक्शंस को सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो सबसे पहला फंक्शन है वो कॉनकैट है। तो कॉनकैट फॉर्मूला क्या होता है या फंक्शन क्या होता है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। ठीक है, आज की जो हमारी ये वीडियो थी वो सिर्फ इतनी थी कि हम 19 जो कि एमएस एक्सेल 19 है, इसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स या नए इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, और जो इनके यूजेस हैं वो अपनी हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियोस थी। अगर आपको एक्सेल के अंदर और भी डीप नॉलेज चाहिए तो आप उसके लिए मेरी वेबसाइट www.rlrexcelnetworks.com पर विजिट करें, और वहां पर जाकर एक्सेल की बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, वहां पर आप कुछ भी सीख सकते हैं एक्सेल से रिलेटेड। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे ब्लॉगर www.rlrexcelnetworks.blogspot.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल RLR Excel Network पर जाएं और वहां पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है एक्सेल से रिलेटेड, आप उनको सीखकर एक्सेल एक्सपर्ट बन सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम सबसे पहला एक्सेल 2019 का फंक्शन सीखेंगे जो कि होगा कॉनकैट। तब तक के लिए गुड बाय।